चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, सीधा चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हमारा पार्ट टू है। पार्ट फर्स्ट हमारा MBBS सीरीज की ए टू जेड डिटेल मैंने बताई थी कि जिन बच्चों के पास भी ट्वेल्थ में PCB है या फिर टेंथ के बाद सपना है डॉक्टर बनने का, तो ट्वेल्थ के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा MBBS करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बेसिक सी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड कराई थी। अगर इनके इस वीडियो नहीं देखा था तो MBBS बाय सुनील अधिकारी डालकर YouTube में आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाएगा। आज पार्ट सेकंड है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं MBBS करियर ऑप्शंस के बारे में। जी हां, जैसे ही आपका 5.5 साल का, जी हां 5.5 ईयर्स का, जैसे ही आपका MBBS फिनिश होता है तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आप बच्चों के पास अवेलेबल होंगे, आप किस किस सेक्टर पे, किस किस जॉब प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं, ए टू जेड पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा, एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि यार मैं अगर MBBS करता हूं तो मेरे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं किस किस फील्ड में ट्राई कर सकता हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हायर स्टडीज की बात कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चे MBBS के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, तो हायर स्टडी के क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में तुरंत बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर ऑफ सर्जरी करने का। जी हां, अगर आपका MBBS कंप्लीट हो गया है तो आप फर्दर हायर स्टडी के लिए MS कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी इसका फुल फॉर्म है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर आप MD कर सकते हैं, मास्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं। कई कई होनहार छात्र MS और MD दोनों भी कर लेते हैं, तो आपके ऊपर है। MBBS के बाद अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, हायर स्टडी अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जॉब के साथ साथ फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दो डिग्रियां बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। MS कर सकते हैं या फिर आप MD कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात कर लेते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एरियाज। एम्प्लॉयमेंट एरियाज होते क्या हैं? वो एरियाज जहां पर आप MBBS कंप्लीट होने के बाद ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक या दो एरियाज नहीं है, बहुत सारी ऐसी फील्ड है, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपना जो टैलेंट है वो ट्राई कर सकते हैं, अपना जो अपॉर्चुनिटी है राइट अच्छे जॉब पाने की वो आप सर्च कर सकते हैं राइट। चलिए देखिए, हॉस्पिटल्स वगैरह एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया रहता है कि MBBS के बाद आप जितने भी टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो राइट। चलिए आगे अगर बात करें तो नर्सिंग होम्स हैं, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड है लैब्स, जितनी भी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज वगैरह होती है, लैब्स होती है, वहां पर भी वर्क कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ है मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में एज अ डीन, एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर भी आप, एज अ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, बायोमेडिकल कंपनीज होती है, देखिए प्राइवेट सेक्टर है, MNCs वगैरह है, गवर्नमेंट कंपनीज है, बायोमेडिकल कंपनीज होती है, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। सिक्स वन इज योर हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर में भी आप ट्राई कर सकते हैं MBBS डिग्री के तुरंत बाद ही। पर्सनल क्लिनिक खुद का खोल सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स जो होते हैं खुद की ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, खुद का ही क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं। हमारा वो है रिसर्च लैब्स, आप जितने भी इंडिया में बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स है वहां पर एज अ रिसर्चर आप वर्क कर सकते हैं राइट। बायोटेक कंपनीज होती है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, वहां पर वर्क कर सकते हो। फार्मा कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन रिलेटेड कंपनीज होती है, आप वहां पर भी वर्क कर सकते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट होती है वहां पर भी। तो देखिए वेरियस सेक्टर्स है, नियर अबाउट 10 सेक्टर्स की बात करी मैंने यहां पर, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि एक MBBS जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको वेरियस जॉब्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो नियर अबाउट 10 हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल क्या होगी आपकी, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, किस पोजीशन में आप वर्क करेंगे,
किस पोजीशन में आप वर्क करेंगे। देखिए पोजीशन स्पेसिफिकली डिफाइन करती है या डिपेंड करती है आपकी एमबीबीएस की स्पेशलाइजेशन में। अगर आपने एमबीबीएस अपना न्यूरो में करा है तो न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डर्मा में करा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कार्डियो में करा है तो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन मैटर करती है आपको स्पेसिफिक पोजिशन सिक्योर करने में, राइट। तो देखिए आप अलग अलग प्रोफाइल में मेडिकल सर्जन, एज अ मेडिकल सर्जन आप वर्क कर सकते हैं वेरियस जितने भी अपने एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में बात करी है, राइट। डाइटिशियन आप अगर अपने डाइटरी में या डाइटिशियंस में अपना अपना स्पेशलाइजेशन रखी थी तो आप डाइटिशियन बन सकते हैं या फिर एमबीबीएस के बाद अलग से कोर्सेज भी कर सकते हैं। फिजिशियन बन सकते हैं, पीडियाट्रिशियंस बन सकते हैं, राइट। पीडियाट्रिशियंस के लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस या आपको ज़्यादा जो तवज्जो होती है वो आपको दी जाती है अगर आपका स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में है। मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरर या टीचर बन सकते हैं वेरियस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया, जनरल डॉक्टर हो गया, जनरल प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग देखिए जितनी भी जॉब पोजिशन है, प्रोफाइल है, सोलली डिपेंड करती है आपकी एमबीबीएस में कौन सी स्पेशलाइजेशन थी। अगर आपको स्पेशलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या होती है तो आप एमबीबीएस मेरा वाला MBBS वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं MBBS बाय सुनील अधिकारी, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो वेरियस जॉब प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं वेरियस जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एरियाज थे उनमें। अब बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर कौन कौन से होते हैं, टॉप रिक्रूटर्स क्या कौन होते हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल चैन है, बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज वगैरह है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो आपको नौकरियां प्रोवाइड करती है। देखिए टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल, मेजोरिटी ऑफ द नाम जो मैं पढ़ने वाला हूं आपने सब वो नाम सुने हुए होंगे अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, अगर आपने एमबीबीएस में ही अपनी कंप्लीट करनी है स्टडी वगैरह या मेडिकल फील्ड में ही आपको वर्क करना है। मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, श्री गंगाराम हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े बड़े ये हॉस्पिटल्स की चेन्स है, पूरे इंडिया में फैली हुई है, आप इन किसी भी हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं। लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, सिप्ला लिमिटेड, दवाइयों में सिप्ला का बहुत बड़ा नाम है, राइट। तो ये अलग अलग टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि एमबीबीएस जो भी ग्रेजुएट होता है उन बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड कराते हैं। वेरियस पोजीशन रहती है, डिपेंड करता है आपकी क्या स्पेशलाइजेशन थी और आप किस सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, राइट। तो ये सारे वो रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो आपको एमबीबीएस, देखिए सबसे पहले तो आपको एमबीबीएस पे फोकस करना है। जैसे आपका एमबीबीएस किसी अच्छे कॉलेज से होता है, ट्रेनिंग आपकी अच्छी जगह से होती है तो आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आपका एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो गया है आपको। आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्पेशलाइजेशन के और उसी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड ही ये जो रिक्रूटर्स हैं आपको अलग अलग फील्ड में अलग अलग जॉब प्रोफाइल में वर्क देते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है आज के वीडियो में कि एमबीबीएस के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हायर स्टडी करनी है तो आप एमएस और एमडी कर सकते हैं या फिर ये वेरियस एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। ये जॉब प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। ये बड़ी बड़ी वो कंपनीज है जिनमें आप ट्राई कर सकते हैं अपने रिज्यूम, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप जितनी भी जॉब पोस्टिंग साइट्स होती है वहां पर अपने रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहां से आपको इंटरव्यूज के कॉल आएंगे और ये कंपनीज आपको रिक्रूट करती है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं आज के वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।